Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. हाँ मुलायजा हो जिया शहंशाहों के शहंशाह राजा चप्पू पधार रहे हैं अर्चना जी जी चंदू जी आप सोच रहे होंगे कि मैं राजा की कुर्सी पर क्यों बैठा हूं क्यों लेकिन हमने तो कभी ये नहीं सोचा कि आप मंत्री की कुर्सी पर क्यों बैठी हैं खैर अब जरूरी सूचना अर्चना जी वो कप्पू का भाई चप्पू नहीं है उसका दिमाग हिल गया है अपने आप को राजा समझने लगा है वो डॉक्टर ने कहा है अगर इसको बचाना है तो इसके साथ राजा राजा खेलो मैंने सपना को मना लिया है तो आप सबने हमारा साथ देना है प्लीज अर्चना जी ठीक है रेडी ओहो वेरी बैड उस दिन आप मैंने स्कूटर में से पेट्रोल निकाल के पी गई ठीक है निकाल लो पी लो पर आप तो है ही डीजल पे पेट्रोल की पी गई आप वेरी बैड वेरी बैड महाराज सेनापति धीरे बोला कर मेरी जान निकाल लेगा तू महाराज सेनापति चंदू आपका कपिल शर्मा सल्तनत में स्वागत करता है महाराज इस सल्तनत में आपका सबसे खास आदमी मैं हूँ पक्का हाँ जी तो बताओ हमारी शरीर पे कहाँ कहाँ तिल है ए, मैंने खास बोला वेला नहीं बोला जो आपके शरीर पर तिल गिनता रहूं मैं तभी महाराज थोड़े सेक्सी होते ना फिर ये गूगल पे जाके टाइप करता महाराजा हॉट पिक्स यूं करके मार ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ महाराज प्लीज शर्म कीजिए कैसी बातें कर रहे हैं लोग बातें करेंगे आपके बारे में लोग हमारे बारे में बातें करेंगे तो हम भी लोगों के बारे में ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि लोगों का HAWW घो निकल जाएगा समझे इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट और ये सब लोग कौन है हमारे क्यों घूर घूर के देख रहे हैं ये महाराज ये आपकी प्रजा है दूर दूर गाँव से अपनी फरियादी लेकर आई है तो लेके आए तो दो मेरे को कब दोगे जब ठंडी हो जाएगी महाराज वो फरियादे लेकर आए भटूरे छोले नहीं लेकर आए फरियादे मतलब समस्याएं लेकर आए हैं वो प्रॉब्लम हाँ प्रॉब्लम हटाओ इनको मेरे को नहीं सुननी सुबह सुबह नेगेटिव बातें हटाओ इनको महाराज 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 मैं लूट गया महाराज मैं लूट गया महाराज मैं लूट गया ना ना तेरे पे लूट गया सारी कंपोजिशन ही गलत ऐसे होता है तेरे को फरियादी किसने बना दिया इतना सा गाना भी नहीं आता इसको इसको करके दिखाओ सेनापति और जब भी राजा के दरबार में आते हैं तो ऐसे करते हैं महाराज की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो यार तू कितना अच्छा फरियादी बनता है आज से तू फरियादी आज से तुम सेनापति महाराज आज्ञा दीजिए इस फरियादी के साथ क्या करना है इसका मुंह तोप में डाल दो तोप का मुंह इसमें डाल दो कुछ तो फनी सा होएगा मेरी बात सुनो इधर आओ जो तुम्हें चाहिए मांगो निकलो यहां से चलो ओ जा पना यार मेरे को बड़ा मजा आया दोबारा करके बता ओ जा पना मैंने तेरे तलवार मार दी यार दो चार बार रोज सुबह से 9 से 5 आके ये किया करो ओ जा पना मेरे को जा पना जा बना जा पना पूरे राज्य में सूखा पड़ गया है बस इतनी सी बात एक बोतल पानी दे दो जाके गीला कर दो महाराज एक बोतल पानी से कुछ भी नहीं होगा मेरे 15 एकड़ की जमीन सूखे की वजह से बर्बाद हो गई है महाराज 15 कितने होते हैं महाराज 15 10 10 5 बस आज मैं तुम्हें 20 एकड़ जमीन देता हूँ जाओ महाराज की जय हो महाराज की जय हो मेंशन नॉट महाराज बस अब ये बता दीजिए कि वो जमीन है कहाँ ये सीधा जाओगे महल से बाहर हाँ उधर नदी जा रही है
हाँ नदी के नीचे नीचे जितनी जमीन जहां तक जाती सब तुम्हारी ले लो जाके महाराज महाराज उन नदी के नीचे की जमीन का मैं क्या करूंगा वहां तो सिर्फ पानी ही पानी है बड़े नखरे तेरे पहले बड़े तो सूखा पड़ा अब मैंने गीली जमीन दे दी गीली पड़ी तू बड़ा तू कटरीना कहवे तू महाराज इस फरियादी को निकाल देते दूसरा बुला लेते हैं कोई बात शट अप सुबह सुबह मेरी सारी बोनी खराब कर दी फरियादी 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 इतने में बहुत हो गई फरियाद अब मेरे लिए वो करवाओ महाराज ये कैसे आउट ऑफ सिलेबस इशारे कर रहे हैं आप बेवकूफ तुमको इतना भी नहीं पता राजा के दरबार में जो नर्तकियां डांस करती हैं अच्छा नर्तकियां हाँ अभी पेश कर देते हैं लेकिन इसका क्या करें क्या करें? इसको साइड में ले जाके दो शाही चुम्मियां दो खुश हो जाएगा चलो चलो नर्तकी पेश की जाए महाराज की जय हो तुम्हारी भी जय हो महाराज महाराज मेरा डांस कैसा लगा महाराज तुम्हारा डांस देख के बहुत प्रसन्न हुए ये लो धन्यवाद धन्यवाद नहीं इसको ठीक करा के लाओ यहाँ से रोज टूट जाती है पता नहीं क्यों आपने मेरा इंसुलेट किया इंसुलेट आपको मालूम है सोनी सल्तनत के जो राजा हैं करोड़ों रुपया फूका है उन्होंने इस ठुमके के ऊपर वो तो ऐसे मुंह पे लाखों देते थे तुम तो फिर भी ठीक लग रही थी नर्तकी इधर आओ तुम्हारा नाम क्या है मोहनलाल नर्तकी इतना गंदा नृत्य करने के अलावा और क्या करती हो मेरा इधर पार्लर है और लड़की लोग का मैं ब्रेक ओवर करती है सुनो तुम मेरे आईब्रोज तीखे कर दो कि मेरे को जंग पे जाना अरे जंग पे जाना है तो तलवार तीखा करो ना वो तलवार बड़ी हैवी नहीं उठती मेरे से ऐसे आईब्रो कर दो ऐसे तीखे ऐसे करके आदमी मारूंगा उनके अंदर मेरे नाखून भी तीखे कर दो क्यों मैं जो दुश्मन को हक करके ना पीछे से उनकी पीठ फाड़ दूंगा तो मैं सामने से पीठ पे वार करूंगा ए कौन है रही है ये जहां पना है ये जहां पना कम झापड़िया ज्यादा लगता है मेरे ये मेरे को अच्छा लगा आज से हम झापड़िया हमको बहुत अच्छा लगा ये झापड़िया जी बहुत बड़े राजा बन गए ले ऐसा फालतू हरकतें छोड़ो और युद्ध नीति के बारे में सोचो युद्ध नीति के बारे में सुनो हम जब भी युद्ध पे जाए हमारा ध्यान रखा जाए क्योंकि जैसे ही युद्ध शुरू होता है हमें ये हो जाता है क्या मस्ती की पाठशाला आती है नहीं हमें लैटरिन आ जाती है सेनापति हाँ जी जाओ हमारे शाही खजाने में से पैसा निकालो सारे सैनिकों में डायपर बांट दो सब उठेंगे मुर्गे की बांग पे डायपर होगा सबकी जांग पे पिच पे गाना बनाओ म्यूजिक के लिए अनु मलिक को फोन करो उसको बोलो विशाल डडलानी का नंबर दे बोलो बोलो उसके पास नेहा का कड़क होगा उसको पूछना मेरे गणपति भी क्यों नहीं आई उसको बुलाओ पर महाराज कौन से खजाने की बात कर रहे हैं खजाने तो सारे खाली हुए पड़े हैं तो खजाना खाली हो गया हाँ जी तो एक काम करो उसमें पानी डाल के मनी प्लांट लगाओ मनी आएगी आपके कहने का मतलब अस्तबल में से अगर घोड़े खत्म हो गए तो वहां घास उगा दे वहां घोड़े आ जाएंगे महाराज से जवान लड़ाता है तू महाराज इसको निकालो मेरे को सेनापति रखो आप तेरे को कैसे सेनापति मैं हूँ अबे पागल मैंने तेरे लिए बड़ा वाला सोच रहा है अच्छा क्या मर्डर तेरा मर्डर करेगी मैं एक काम करो मेरे को सेनापति नहीं तो मेरे को कम से कम राजा बना दो ऐसे कैसे राजा एक राजा के होते हुए दूसरा राजा नहीं हो सकता अरे ऋतिक रोशन ने खुद बोलेला था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा लेकिन राजा की बहन तो राजा बन सकती है कि नहीं है बात करते हैं लोग सुनो तुम लोग लड़ो मत मैंने बीच का रास्ता निकाला है कौन सा रास्ता मुंबई और गोवा के बीच में पुणे हाईवे कभी कभी महाराज पंच मार देते हैं महाराज कैसी फालतू बातें कर रहे हैं आप अबे क्या फालतू की बात इतना फनी बात की है महाराज मस्त कॉमेडी करते हैं बहुत अच्छे आज से तुम सेनापति तुम चलो 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 और मैं आपका सेनापति हूँ महाराज कोई बात तुम मेरी सेनापत्नी
मेरे 1,00,000 सैनिकों की तुम पत्नी। सुनो सेना पत्नी, जाके सारी सेना को इलाज की पहले कच्चे बना दो। What? क्योंकि जंग के प्रेशर से नाड़े खुल जाते हैं। Oh, फिर ना जंग से ज्यादा शेम हो जाती है। तुम्हें याद है पिछली जंग जो हम जीते थे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो कैसे जीते थे? लड़के थोड़ी जीते थे, वो तो सामने वाला राजा हंस के मर गया, हमारा पजामा खुल गया था, हमारी प्रॉब्लम होती। जाओ जाके सैनिकों में ऐलान कर दो, हम जंग के लिए निकलेंगे। ठीक है, जो आज्ञा महाराज। हट, जो आज्ञा नहीं, वो आज्ञा जो मैंने पहले दी थी, वो आज्ञा। ऐसे जो किया वही करो। ओके, वो आ गया महाराज। कौन आ गया? कौन आ गया? अरे अभी तो आपने बोला वो आ गया है, तो बोली वो आ गया महाराज। वो आ गया नहीं, जो आ गया। जो आ गया महाराज। हाँ, तो जो आ गया तो उसको बिठाओ, जो नहीं आया उसको नहीं बिठाओ। कितनी सी बात समझ में नहीं आती है। ये आ गया, वो आ गया, कौन आ पकड़ इसको, कौन आ गया, दिमाग खराब किया ले। छोटू इधर, जब भाग के सेनापति को बुलाओ। महाराज सेनापति मैं ही हूं। तो कॉन्फिडेंस रखा करो। सुनो, मैं इधर अकेला ही राजा हूं, कि मेरी वो नहीं है कोई? महाराज वो मेरी कोई रानी वगैरह नहीं है? अच्छा, रानी आप ले गया उनको? आपकी रानी ले आते हैं महाराज। रानी कहां से लेकर आऊं? रानी महारानियां तो हमने बहुत देखी, लेकिन ये कम हसीन महारानी हमने पहली बार देखी। सुनिए, आपने अपने आप को इतना लिमिटेड सा हॉट क्यों रखा हुआ है? आपको नैन नक्श विरासत में ही नहीं मिले या पुलिस छीन लेती है? आपको भी दिमाग विरासत में नहीं मिला या पुलिस छीन ले? आई लाइक दैट जवाब। टिट फॉर टैट। चलो टिट टैट पे वीडियो बनाए ऐसे करके। तेरा मेरी बात सुनो, ये चप्पू का दिमाग हिल गया है। हम सब यहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं, तुम भी महारानी बनने की एक्टिंग करो। ओए, क्या खुसुर-फुसुर कर रहे हो? महारानी तुम इसकी बातें मत सुनो, तुम सेनापति की नाभि में तीर मार के मेरे को स्वयंवर में जीत लो। आई एम ऑल योर्स। मुझे तीरंदाजी नहीं आती। तुम्हें तीरंदाजी नहीं आती? इतनी आसान होती है? ऐसे करके ऐसे किया, छह आया तुम्हारी गोटी बाहर। तीरंदाजी नहीं होती, वो लूडो होती है। हट, लूडो तो ये होती है। हट, ये जूडो होता है। जूडो, जूडो तो ये होता है। तेरा ये जुआ होता है। जुआ तो सर में होता है। वो जुए होते हैं। तो कितनी है तुम्हारे सर में टोटल? एक्सक्यूज मी, मेरे बाल भी जुए नहीं रहती। महाराज जिसके सर पर जुए नहीं रहती उसे आप अपने महल में रखोगे? चांदू गुस्ताख, अपने होने वाले शौहर के सामने गैर मर्द का नाम लेती हो? बात हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका होने वाला शौहर मैं हूं। तो इसमें इतना शौहर मचाने की क्या जरूरत थी? और सुनो महारानी, हमको आपसे प्रेम हो गया है, तुम जल्दी से हमारे गले में वो डाल दो। वरमाला। ऐसे कैसे वरमाला डाल दे? ये तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। तुम्हें इसके बाद कहीं जाना है? इतना तेज तेज बोलता है ये। सेनापति चंदू, पूरे राज्य में हमारी सुहागरात का ढिंडोरा पीटो और तमाम राजा महाराजा को, सारे राजा महाराजा को न्योता दो। बस महाराज बस, आप बूरी को महारानी बनाकर बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। बहुत बड़ा अनर्थ कैसे हो गया? अनर्थ पहले होएगा, फिर स्कूल जाएगा, फिर बड़ा होएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? आप परी महफिल में चंदू ये ऐलान करता है कि वो अपनी मोहब्बत को आपके चुंगल से जल्दी छुड़ा लेगा। जा रहा हूं मैं, जंग के लिए तैयार हो जाओ चप्पू शर्मा।
हेलो दरबान, अभी ये जो सैनिक बाहर आया है इसको कर दो, अबे इसको कर दो, तुझे इशारा नहीं समझ में आता, मैं बोल रहा हूँ इसको कर दो, दूसरे सैनिक को फोन दो। हाँ सुनो, ये जो मैं अभी जिससे बात कर रहा था ना, इसको कर दो, तुम्हें इशारा नहीं समझ में आ रहा, पहले सैनिक को फोन दो। सुनो, तुम दोनों सैनिक एक दूसरे को मार के मेरे को रिपोर्ट करो, बाय। महारानी, ये जो आया था इससे डरो मत, तुम जल्दी से मेरे बेबी शावर की तैयारी करो। बेबी शावर? बेबी शावर बच्चा होने से पहले होता है। तो हमारा बच्चा भी कहाँ हुआ है, तभी तो बोल रहा हूँ पहले पहले कर लेते। बेबी शावर लड़कियों का होता है। क्या, मैं नहीं बात करता तुमसे, विदाई लड़कियों की होती है, मेहंदी इनकी होती है, बैंगल सेरेमनी इनकी होती है, हमें सिर्फ एक ही बार घोड़ी पे चढ़ाते, वो भी सारे चने घोड़ी खा जाती, हमें कुछ बचता भी नहीं। बंद क्यों करो, 11 बज गए, एक तुम पहले ही 15 मिनट लेट आते, बंद करो, मरूंगा तेरे में। बस बहुत हो गया पूरी, तुम घबराओ नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, ये लाइन जितना हमें डराती ना कोई नहीं डराता। क्या कर लोगे तुम? अभी बताता हूं मैं, तबेला सल्तनत के महाराज पधार रहे हैं। यार मेरे को देखना है तुम चलते कैसे हो। ए हिली हुई सल्तनत के महाराज चप्पू, हमारी साली को छोड़ दो, वरना हम 300 हाथी, 450 घोड़े और एक गधे के साथ तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। महाराज आपने मुझे गधा कहा? अरे यार, ये आदमी का कॉन्फिडेंस देखिए, जरा सा गधा बेवकूफ भिखारी वाला टॉपिक निकला नहीं कि क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो जाता है। तुम अगर 300 हाथियों का क्रेडिट ले सकते हो तो मैं एक जानवर का क्रेडिट नहीं ले सकता। जीजू महाराज बचा लो मुझे। भूरी तुम डरो नहीं, यह अकेला पड़ चुका है, अब इसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा रे, मैं बचाएगी महाराज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई चोट नहीं लगी, चींटी मर गई, चींटी मर गई। कुछ नहीं, बचपन से झूठ बोलते सब, चींटी मर, कोई चींटी नहीं मरी, बहुत जोर से लगा रे। चलो 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 चलो, रोते नहीं रोते नहीं रोते नहीं, टॉफी ले लो, नहीं चॉकलेट ले लो, नहीं 1 करोड़ देना मेरे को। हमला बोलो, हमला। यार इससे अच्छा तुम लिख के ही दे देते। हमला बोलो मत, हमला बोलो मत, हमला करो, अपने हाथों से मारो। मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, खबरदार मुझसे लड़े तुम, मैं धड़ से अलग कर दूंगा, मैंने तेरे हाथ पे काट दिया, मैंने तुम मर्दान की ओए मर्दान की दिखाओ। महाराज मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा, मैं भी तुम्हारे पजामे की दोनों टांगे अलग अलग कर दूंगा। मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मेरे को 9 बजे के बाद जो गुस्सा आता ना फिर। और मैं भी तेरा कुछ ना कुछ अलग करेगी, अब क्या अलग करेगी मेरे को मालूम नहीं है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। भयानक औरत, ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हम औरत पे हाथ नहीं उठाते, लेकिन हमारी एक और लेडी योद्धा अभी बाकी है, हम उसे बुलाएंगे, योद्धा तितली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? मैं खुद उसको हाथ लगाने से डरती हूँ और तुमने हाथ लगाया? अरे नहीं नहीं तितली, ये क्या कर रही हो, ये हमारा आदमी है। तुम्हारा आदमी?
अच्छा पता तो मुझे पहले ही था तुम्हारा बाहर चक्कर चल रहा है, लेकिन एक बात बोलूं, ये वाला चक्कर सुन के ना मुझे खुद चक्कर आने लग गए। वो चक्कर मतलब खुशखबरी, पूरे राज्य में सबको अनाउंस कर दो कि इनको आके लानत डालो। पर तुम्हें शर्म नहीं आती? 11 बच्चे पैदा करके बार बार तेरा आ रहा है और तू मेरे से लड़ने आ गया। ओ तितली, हम एक ही टीम है, दुश्मन सामने, उनके साथ जंग करनी है। अच्छा ये बात है, पहले क्यों नहीं कहा? इधर आ तू। हैं? प्रीम जोर तोती, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को ऐसा कहने की? अरे ओवर कुक्ड डॉल्फिन छोड़ मेरे को। तुम्हारी मुझे क्यों मार रही हो? यार ये बात गलत है, इंसानों की लड़ाई में बड़े बड़े पक्षी क्यों आ रहे फिर? ये मैं नहीं खेलता। अच्छा और तुम जो ऊंट का इस्तेमाल कर रहे हो उसका क्या? ए, तूने मेरे को ऊंट बोला है? तूने मेरे को ऊंट बोला? मैंने तेरे को ही ऊंट बोला, मैंने तेरे को ही ऊंट बोला, मैंने तेरे को ही ऊंट बोला। ऊंट बर्दाश्त नहीं है मुझे। मुझे भी नहीं बर्दाश्त। आप क्या खड़े खड़े देख रहे हैं? अरे तुम भी थोड़ा देखा करो, शायद कुछ सीख जाओ। ओए लो बजट बाहुबली आक्रमण करो। ये तुम्हारे पास बाहुबली है तो हमारे पास भी भल्लाल देव है। कहाँ है? कौन है? कहाँ है? तू कौन है फिर? मैं? अरे नाम रखने से पहले बता तो दिया करो कौन हूँ मैं। हाँ ठीक है, मैं आक्रमण करवाती है। सैनिकों मयान से तेल निकालो। तू बेवकूफ है, मयान से तेल कौन निकालता है? मैं ना दुश्मन लोग के मैसेज करेगी। मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज है। कौन सा? हमला मैसेज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या रहते हैं? हाँ। हम लोग सेट पे पहले कस्टमर का कपड़ा उतारते। अच्छा। फिर उनको तेल लगाते और फिर उनको तलवार के ऊपर बिठा देते। ऐसे रहते। आगे आगे तेरी किस्मत, पीछे तो तलवार है। तलवार मेरे पास भी है। महाराज तलवार निकल रही है, बचाओ। गुस्ताख, तुमको क्या लगता है कि हमारे पास तलवार नहीं है? अपना धड़ बचाओ। एक मिनट। सुनो, हम गलती से प्रीमैच्योर तलवार ले आए। अब युद्ध 18 साल बाद होगा जब इसका लाइसेंस बनेगा। नहीं नहीं नहीं, युद्ध तो आज ही होगा। आज आज हमारी तलवार और तुम्हारी गर्दन का रिश्ता होगा। आज खून की नदियां बहेंगी। एक मिनट, थोड़ा शांत हो जाओ। इसको टच नहीं करना। सैनिको, वो निकालो। क्या पागल हो गया? बाथरूम? नहीं नहीं, हाँ टांगे निकालो और भागो। आज जो हमारे मेहमान आने वाले हैं वो क्रिकेट की फील्ड से हैं। अच्छा। आप समझे? नहीं नहीं, मतलब रिटायर वाले प्लेयर नहीं आ रहे हैं। अच्छा। जो अभी खेल रहे हैं। हाँ, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका। ये जो दो प्लेयर्स हमारे यहाँ पे आज आने वाले हैं, ये दोनों ही बड़े कमाल के प्लेयर्स हैं। ये दोनों ही लेग स्पिनर हैं और इंडिया की तरफ से बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्म कर चुके हैं। इनकी गूगली के आगे
अच्छे अच्छे बैट्समैन फेल हो जाते हैं। जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर पीयूष चावला एंड युजवेंद्र चहल। जोरदार तालियां पीयूष और युजवेंद्र के लिए। युजवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसा लग रहा है आप पहली बार हमारे शो पे आए दोनों? जी बहुत अच्छा लग रहा है और ऑब्वियसली इतना आप लोग का शो देखते हैं। सीरियसली देखते हो आप? बिल्कुल देखते हैं। बहुत टाइम लगता है? बहुत टाइम है। 7 बजे खत्म, उसके बाद पूरा टाइम ही टाइम है देखने का। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए। इंडियन टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारी टीम। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज में इंडिया ने T20 वनडे और टेस्ट सीरीज तीनों जीती हैं। और युजवेंद्र आप तो टीम में भी थे वनडे में, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। युजवेंद्र एक बात बताना, निकनेम भी आपका कोई? घर में सन्नी बुलाते हैं। सन्नी ठीक है। युजवेंद्र ना मेरा ना, मैं 3 बार नाम ले चुका, मेरे मुंह में वाई अटक रहा था। पंजाबियों के लिए ना ये ना बहुत मुश्किल। युजवेंद्र मैं तो फिर भी इंडियन हूँ, समझ जाता हूँ। अंग्रेजों को कभी आपने नाम बताता? अब जब आप बोलते हो युजवेंद्र तो वो बोल पाते पूरा? नहीं, वो कई बार मिक्स कर देते हैं कोई। अब यूजी करके शॉर्ट फॉर्म है मेरा अभी क्रिकेट में। यूजी, ओके। यूजी क्योंकि बाद में कई पहले बचपन में होता था कोई धर्मेंद्र विजेंद्र सब बोल देता था। तो उन्होंने बोला इसे बेटर छोटा ही कर दो, तो यूजी ठीक है। यूजी ठीक है। यूजी भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यू और ज, यूजी थोड़ा मजा सा आता नाम लेके, है ना, अंदर खारिज भी हो रही ठीक हो जाती है यूजी। एक्चुअली पर्सनालिटी के हिसाब से यूजी ठीक है, युजवेंद्र थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। हाँ, वरना बंदा सोचे 6 फीट का बंदा आ रहा है देख के, कह रहा है नाम से तो। अच्छा, क्रिकेट के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं, करोड़ों क्या इंडिया में निकल आएंगे करोड़ों, और करोड़ों में से लाखों वो निकल आएंगे जो खुद खेलते हैं, और उसके बावजूद पाजी सिर्फ 15 लोग चुने जाते हैं इंडियन टीम के लिए, और आप दोनों वन ऑफ देम उन 15 में से। मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप इंडियन क्रिकेट टीम में आए तो आपका रिएक्शन क्या था, फीलिंग क्या थी आपकी? मैं 17 साल का था जब खेला पहली बार, टेस्ट टीम में आया, 11th स्टैंडर्ड में था। तो पहले दिन काम किया, बाइक उठाई घर से, बाइक लेके स्कूल बड़ा बॉन्ड बन के पहुंचा कि इंडिया टीम में आ गया हूँ मैं। अच्छा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस में गया, मैंने कहा मैडम अब ना अटेंडेंस का पंगा ना डालना प्लीज। जैसे आप सब जानते हैं पीयूष जो है सचिन सर के बाद सेकंड यंगेस्ट प्लेयर हैं जो इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए हैं। अभी भी यंग ही है, अभी भी यंग है। जैसे आप सचिन सर के बाद सेकंड यंगेस्ट हैं, वैसे अर्चना जी जो है ना, अरे मेरी बात तो सुन लो, मैं कह रहा हूँ वैसे अर्चना जी मतलब सिद्धू जी के बाद दूसरी ओल्डेस्ट महिला है। जो नवयुवती से युवती बनी, युवती से प्रौढ़ महिला, और ये ना टीम में आने के लिए किसी के निकलने का इंतजार नहीं करती, ये सामने वाले प्लेयर को निकल जाती है। युजवेंद्र आइए, युजी पीयूष प्लीज आइए। युजी जब आप सिलेक्ट हुए आपकी क्या फीलिंग थी उस समय? आपने भी ऐसे पेपर में नाम पढ़ा था अपना? उस टाइम रायपुर में मैच था आईपीएल का क्वालिफायर, तो हम क्वालिफाई कर चुके थे। अच्छा। तो लेट नाइट बस पहुंचे, फिर सुबह बस थी, तो मेरे जो वीडियो एनालिस्ट उन्होंने बोला आज इंडियन टीम अनाउंस हो रही है। अच्छा। मैंने कहा तो कह रहे चांसेस हैं, मैं कहा ठीक है। फिर मैं रूम पे पहुंचा तो ट्वीट किसी ने किया, तो बीसीसीआई का जो वेरीफाई अकाउंट है उस पे पेपर आया, तो 16 नेम मेरा था। अच्छा। तो मैंने उसको 6 या 7 बार देखा कि मैं यकीन से यही है या फेक कोई आया है। तो फिर वो नाम आया, तो फिर मॉम डैड से फिर बात की, तो थोड़ा इमोशनल मोमेंट था क्योंकि पहली बार नाम आया था। सो प्राउड ऑफ यू गाइस, थैंक यू। अब दोनों स्पिनर्स हैं, कभी आपने सोचा नहीं फास्ट बॉलर बना जाए? क्या आपने ये सोचा कि कौन इतनी दूर से भाग के आए? शुरू में ट्राई किया था जब। अच्छा। शुरू किया खेलना मुरादाबाद में, तो एक होता है ना एक फास्ट बॉलर स्पेल डालता है 3 ओवर 4 ओवर। हाँ। मेरा स्पेल 3 से 4 बॉल का ही हो पाता था। अच्छा। उसके लगता था बस यार कौन करेगा, थक जाता आदमी, बहुत थक जाता है, बड़ा मुश्किल काम है फास्ट बॉलर। फास्ट बॉल का एक नुकसान बड़ा है, आदमी इतनी दूर से भाग के आए यू करके घुमा के, जब तक मुंह सीधा हो पता चले छक्का भी पड़ गया है ना। अभी तो स्पिनर आए हैं। हाँ। तो तू ये सवाल पूछ रहा है, अगर यहाँ पर फास्ट बॉलर बैठे होते तो क्या सवाल होता तेरा? फास्ट बॉलर आते तो मैं ये कहता कि जैसे आप भाग के फास्ट बॉल डालते हैं। हाँ। लगता है कि विकेट डिजर्व करते हैं।
स्पिनर को क्या खड़े खड़े डाल दिया, विकेट ले लिया। देखो हम ना, हम ग्राहक देख के अपनी पुड़िया बांधते हैं। क्यों पाजी? नहीं पर दोनों काम बड़े मुश्किल होते हैं जो ये काम करते हैं, मतलब धीरे बॉल डाल के सामने वाले को चकमा देके आउट करना, फास्ट बॉलिंग का अपना है उनको, उनको ये तो एक भी नहीं कर सकता, ये तो दोनों में से एक भी नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं दोनों में या सेम, ये शब्दों की गूगली डालता है, बहुत बढ़िया, ये बातों से आउट कर देते हैं। अर्चना जी आपके आने से पहले पूछ रही थी, बोलती पीयूष और युजी आ रहे हैं, इनसे पूछना कि ये जो बुमराह है ये सच्ची में बहुत अच्छा प्लेयर है कि लक चल रहा है। सवाल अच्छा है वैसे। हाँ। ये क्वेश्चन दूसरी टीम वालों से पूछो तो अच्छा बताएंगे। एक्चुअली वी आर प्राउड ऑफ यू बुमराह। अरे जैसे बचपन में हम सब ने क्रिकेट खेला होता है गली में अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ, पैसे शेयर करके बॉल वॉल खरीदते थे, पाजी बॉल भी सस्ती सी ले लेनी। पर आपके बारे में सुना, आपके पापा ने खेतों में पिच बना के दी थी। वो हुआ था क्योंकि जो मेरा ग्राउंड था तो वो स्कूल मेरे घर से 7-8 किलोमीटर था। अच्छा जी। तो उस टाइम मैं सुबह साइकिल पे जाता था, तो साइकिल पे जाना फिर वापस आना और फिर वापस शाम को जाना, तो दिन की 30-35 किलोमीटर साइकिलिंग हो जाती थी। राइट। तो फिर डैड ने कहा कि चलो एक जगह थी तो चलो इधर ही बताते हैं, क्योंकि वो सिर्फ घर से 5 या 10 मिनट दूर थी। ओके। तो फिर एक प्रॉपर ट्रफ बनाया और सीमेंटेड बनाया, तो वहाँ पे मैंने 6-7 महीने प्रैक्टिस करी दिल्ली शिफ्ट होने से पहले। क्या बात। तो वहाँ ये था कि मेरा अपना जब मर्जी जाता था मैं प्रैक्टिस कर सकता था। घर की खेती, घर के ग्राउंड में। घर की खेती। कभी ऐसा नहीं आप थोड़ी देर बाद प्रैक्टिस करने गए और पिच में गन्ने उगे हों, ऐसा कभी? वो गन्ने वाला पोर्शन पीछे था। पर यार कितना है, देखो आज युजवेंद्र जिस जगह पे है, जिस मुकाम पे है, माँ बाप का कितना हाथ होता है, कितना उनको उन्होंने इस समय सोचा होगा कि मेरे बेटे को प्रैक्टिस करने मुश्किल आ रही है। यार आपके पापा के लिए भी थैंक यू, फैमिली का सपोर्ट ना हो मुश्किल होता है। अच्छा युजवेंद्र के बारे में एक बात सुनी है कि ये ना खुद का बैट कभी नहीं खरीदते। अच्छा। एक मांग लेते किसी दूसरे प्लेयर से, कभी रोहित शर्मा का मांग लिया, कभी विराट का मांग लिया। आपको भरोसा नहीं होता है मेरी बारी आएगी? जिस हिसाब से बैट आते हैं ना वो हमारे बैटिंग के टैलेंट के हिसाब से आते हैं। अच्छा। कि ऐसे बैट आएंगे कि अगर कोई मलिंगा वगैरह ने बॉल डाल दी ना तो बैट ही टूट जाएंगे। अच्छा। तो मैं देख रहा होता हूँ, किसी का वेट कर रहा हूँ किसका हल्का बैट आया है, और वो बंदा भी समझ जाता है कि बैट लेने वाला है मुझसे। तो मैं हल्के बैट उनसे एक आधा मार लेता हूँ। तो बैट मार लेते कभी कभी, पैड ग्लव्स नहीं, वो तो अपने ही होते हैं, और बनियान अंडरवेयर वगैरह उनके साइज से फिट नहीं होगा मुझे। पर वैसे बॉलर बनने का फायदा है, क्योंकि बॉलर अगर बैटिंग करने जाते हैं तो पता होता है कि लास्ट नंबर पे जाते हैं, तो अगर कोई आउट भी हो जाए तो इतना वो नहीं होता कि यार चलो कोई नहीं वो बॉलिंग में बहुत अच्छा है। बैट्समैन अगर आउट हो जाए लोग सालों तक नहीं भूलते। जैसे सिद्धू जी एक बार 0 पे आउट हुए थे, हमने हमने देश को आज तक भूलने नहीं दिया। तूने नहीं भूलने दिया। सिद्धू जी भूल चुके थे कि वो 0 पे आउट हुए हैं, हमने कुरेद कुरेद के याद दिलाया उनको। सिर्फ आपने याद दिलाया है, किसी ने याद दिलाया है। पीयूष राइट हैंड से बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड से बैटिंग। जी। अरे पीयूष आप जब सुबह उठते कंफ्यूज नहीं होते कौन से हाथ से क्या करना है? नहीं होता है, कभी कभी आदत हो जाती है। तू भी तो लेफ्टी है, तो लिखता हाथ लेफ्ट से है ना? जी। और बाकी काम? There's a lot of technology. There are small guns. आपको पता है अर्चना जी, यूजी जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी है। रियली? हाँ। जैसे विराट कोहली हो गए, धोनी हो गए, उनको भी पता ही होगा आप इनकम टैक्स में हैं, तो वो आपको नाम लेके बुलाते हैं सर। हैं? कमाई तो बहुत की उन्होंने। तो माई भाई तो तिल्ली बुलाते हैं। कि तिल्ली पतले हो इसलिए? तो 2-3 बार पीछे से कीपिंग करते हुए आज मारे, तिल्ली ये डाल, तिल्ली वो डाल, तो मैं समय कर तिल्ली को मैं खत्म होने का, मैं भाई तिल्ली कह रहे, तेरे यार कोई नाम समझ में नहीं आता, मैं तिल्ली रख देता हूँ तेरा नाम। अच्छा क्रिकेट की लड़कियाँ कितनी फैन है आपको सब पता है, बॉलीवुड तो वैसे ही पागल है क्रिकेट के पीछे, तो यूजी कभी ऐसी कोई लड़की ने क्लीन बोल्ड किया आपको कभी? पता अभी तक तो किया नहीं है, पर वेट उसी का ही हो रहा है, कोई आगे कर अभी तक कोई नहीं है। नहीं अभी तक। ऐसे लोग ना बड़े गुन्ने होते हैं। हाँ। बताते नहीं, पर ऐसे शो पे डैड को बुलाओगे तो फिर तो बिल्कुल आवाज नहीं निकलेगी। आपके पापा हैं? हाँ जी। कहाँ हैं? ये बैठे इधर।
क्या हाल है सर? नमस्कार जी, मुबारक हो, आपकी फसल अच्छी निकली. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका. सर कैसा लगता है जब लोग बोलते हैं युजवेंद्र चहल का पापा जा रहे हैं? प्राउड तो फील होता है सर. मजा आता है? बिल्कुल सर. मैंने सुना है आपके बारे में कि आपने कितना सपोर्ट किया है, सो प्राउड ऑफ यू सर. थैंक यू. वैसे हर पेरेंट्स ही कोशिश तो करता ही है. जी बिल्कुल सर. सर आपको भी क्रिकेट का शौक था? हाँ, कॉलेज में खेलते थे. अच्छा, तो वहीं से आया शौक. तो फिर आपने कब सीरियसली लिया इनको? ये अभी तक नहीं लेते. दस साढ़े दस साल का था उस टाइम. एक हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट में पटौदी ट्रॉफी होती है. हाँ जी. जो ओपन होती है वो कोई एज ग्रुप नहीं होता उसमें. जी. तो जब ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट हमारे एक जींद और सिरसा का मैच था. जी. तो उसमें जब ये खेलने जा रहे थे तो हमारे चार पांच प्लेयर जो थे दूसरी गाड़ी में थे, उस गाड़ी का पंचर हो गया और सुबह सुबह कोई पंचर लगाने वाला तो था नहीं. अच्छा जी. उन्होंने उस टाइम बच्चे पूरे होने की वजह से, टाइम ज्यादा होने की वजह से इसको खिला लिया. अच्छा. तो उसने पांच ओवर में चार विकेट झाड़ दी थी उनकी. वाह क्या बात. तो उस दिन के बाद ये एहसास हुआ कि कुछ कर सकता है तब. इसमें पीयूष आपने बहुत सारे विकेट्स लिए, आपकी विकेट किसने ली? आई मीन आपकी जो शादी हुई वो अरेंज मैरिज हुई के लव मैरिज थी? पड़ोसी थे. लेकिन मुरादाबाद में कभी नहीं मिले, मिले दिल्ली में ही. अच्छा जी. और मेरे जो इन लॉज हैं वो दोनों डॉक्टर्स हैं, तो वो इधर उधर कभी कहीं ट्रांसफर, कभी कहीं ट्रांसफर. तो मोस्टली माई वाइफ यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली ओनली, तो हम लोग वहीं मिलते थे. तो मैंने भी इसीलिए फिर पापा को बोला, मैंने कहा पापा मैं ना मुरादाबाद दिल्ली से आने में बड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं भी एक घर वहीं ले लेता हूँ. क्योंकि जब ज़्यादा टाइम होगा तो मैं आ जाया करूँगा, और कम होगा तो मैं फिर वहीं दो तीन रुक जाऊँगा, आप लोग आ जाया करना. अच्छा, पापा को पता नहीं बेटा मुरादाबाद से बाद मुरादें पूरी कर रहा है? पापा को सब पता होता है एक्चुअली. वो बोलते नहीं है, उनको पता सब होता है, बस जस्ट दैट बोलते नहीं है. बड़े चलाक होते पापा लोग. बीच में जरूर घुस के बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, खाली तो है. ठीक है, उधर बैठ जाती हूँ. कैसे हो? आए मेरा सीसी पुत आए. सीसी मतलब? सीसी मतलब चहल चावला. और जींद में सब ठीक है गांव में? हाँ जी सब ठीक है. सब ठीक है ना? आप कैसे जानती बुआ इनको? मैं तो इनको तब से जानती हूँ जब ये दिल्ली में फिरोज शाह के साथ कोटला में मैच खेलते थे. वो ग्राउंड का नाम होता है फिरोज शाह कोटला. तो जब थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो संभाल नहीं सकता था. ये मलिंगा के बाल क्यों नहीं वापस किए तूने? कुत्ते ऐसे बेइज्जती करता है मेरी. आए न्यू बॉर्न बेबी. वैसे पुत्र मैं तुम दोनों के लिए कुछ लेकर आई हूँ. क्या? बुआ जी पकौड़े लेकर आए हैं. पकौड़े ना खिला बुआ उनको, वो फिटनेस फ्रीक आदमी पकौड़े खिला रही उनको. तो ये भी फ्री के है, पैसे थोड़ी मांगूंगी. पीयूष पुत्र. हाँ जी. तेरे लिए मैंने एक बहुत ही बड़ा रिश्ता देखा है, बहुत ही अच्छा रिश्ता. ऑलरेडी शादीशुदा है वो? वो तो शादीशुदा है, तो बहू को लेके आते, थोड़ा मेरे घुटनों पे तेल लगाती, कटोरियां चमकाती. मैं बोलता हूँ उसको, वो आएगी. थोड़ी मेरी सेवा करती जैसे तेरे फूफा करते. सारी उम्र फूफा तेरी सेवा करते. तूने कभी की उनकी सेवा? अरे कल ही की है. 10 बार बोला था पुत्र कपड़े ले आओ, सूख गए है छत से, ये बंदा गया नहीं. फिर मैंने झाड़ू पकड़ के जो सेवा की है, सेवा की है ना, कि अब सिर्फ मैं ऐसे ही देखती हूँ दूसरों की छतों से कपड़े ले आता. वो तो गांठ खोली जरा बुआ ने. प्रेस के लिए लेके जाने? ना ना तो ऐसे थोड़ी प्रेस हम करते ही नहीं, क्या करके मैं ऊपर बैठ जाती हूँ, प्रेस हो जाती. ला मेरा पुत्त, ला पुत्त कच्चे तू तय कर दे.
और इसमें से बेटे पजामे शर्ट के तू तय कर दे मेरा पुत्र, फटाफट कर दो, कर दो फटाफट। क्या करा रही बुआ तू? है ये किसकी गाड़ी का कवर है? ओ इतनी छोटी गाड़ी होती है कोई कवर है? तुम मेरा पेटी कोट है बुआ, तेरे शर्म नहीं आती? इंटरनेशनल लेवल के वो प्लेयर है, बॉलर है, और तू ये सब करा रही उनसे? तो इंटरनेशनल वाले ने देख कच्चा कैसे तय लगाया। मेरे को एक चीज ना पसंद बिल्कुल नहीं आती यार तुम लोगों की, वो मैच खेल रहे होते बीच में ड्रिंक श्रिंक ऐसे कैसे? ड्रिंक का कोई टाइम होता है अर्चना? इसके फूफा जी 7 बजे के बाद अपनी मूली काटते हैं, थोड़ा सा प्याज, थोड़े मूंगफली के दाने, बस फिर होता है ड्रिंक का टाइम। ऐसे बीच में वो ड्रिंक बीच में थोड़ी होता है, वो ड्रिंक वो जो ड्रिंक लेके आते हैं वो पानी होता है। हाँ तो पानी होता है तो अभी मैं सोचू इतनी ड्रिंक पी के धोनी छक्के पे छक्का मार। यार मजा ही आ गया। चल पुत्र एक बात पूछनी थी, कोहली से नाराजगी कोई? किसकी? क्यों? मैंने देखा पुत्र मैच में कोहली इसको कह रहा था जो गली में खड़ा, क्यों गली में खड़ा हो? क्यों गली में खड़ा हो? गली नहीं, गलियों में खेल के इतना अच्छा खेल के वो नहीं नेशनल प्लेयर बना, गली में कैसे कह दिया कोहली ने? उसकी बीवी अनुष्का तो गली में खड़ा कर देगा। गली गली एक पोजीशन होती है क्रिकेट में, जब आप पॉइंट पे जाके बोलते हैं गली पे खड़े हो जाओ। हाँ तो तभी मैं कहूँ ये भी बड़ा चलाक, गली में गया नहीं ग्राउंड में इधर उधर करता रहा। और एक बात कप्पू, गलियों की बात तो कम्मो को कहना ना, दिल्ली से हूँ पुत्र मैं, गलियों में जब कम्मो निकल जाती थी ना तो गलियों में पता क्या आवाज आती थी? कम्मो कम्मो कम्मो। पीयूष पुत्र, हाँ जी, इधर आ थोड़ा, हाँ जी पास आ। ये अपना धोनी को कहा करो चलते ना मैच में ना हेलमेट ना उतारा करे, 5,000 रुपए जुर्माना है। ऐसे उतार देते ऐसे ऐसे करके। बुआ वो ट्रैफिक के रूल है यार, क्रिकेट में थोड़ी होता है। हाँ तो उधर 5,000 रुपए पड़ सकता है बेटा, ट्रैफिक वाला खड़ा नहीं होता व्हाइट कपड़ों में ऐसे करके बेचारा। मेररे को सिखाता है वो अंपायर होता है बुआ। किसने कहा? मैंने कहा, सारी दुनिया कहती है। सो खा कितनी खिलाओगी सोए सुबह से? अंपायर होता है? ओ हाय यार उसको भी खिला लिया करो, कब से खड़ा होता है बता? कब से खड़ा होता है ऐसे करके बेचारा? बुआ उसका काम नहीं होता, उसका काम यही होता है खड़े होके देखना, उसी के पैसे मिलते हैं उसको। हाँ मतलब उसको खड़े होने के पैसे मिलते हैं? उसी बात के पैसे। मतलब क्रिकेट में अंपायरों में भी अर्चना होती है? यार मतलब किस्मत हो तो ऐसी हो। वैसे एक बात कहूं, यहां से पता चलता है कि ये शादीशुदा, कच्चा तुरंत ही तय कर दिया इसने। एक पजामा इस चैल पुत्र ने नहीं तय किया। दिखाओ कैसे करते होते हैं पजामा, पहले ढूंढो पजामा किसको कहते हैं, साड़ी है पोते, ये पजामा ढूंढो फटाफट, ये पजामा तय करके बताओ जरा। आए नी मेरा चेलू, आए 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 आए, वेरी गुड, आए नी देखो, आए यार छदके जाए नी, पैर हाथ ला ले, पैर हाथ ला ले। इसको कहते हैं यार अच्छे बच्चे। वो तो मेरे कपड़े तय हो गए, मैं निकलती हूँ क्योंकि ना मेरे को पकोड़े जाके कड़ी में भी डालने हैं, क्योंकि पहले भी मैं किसी कड़ी से निकाल के लाई थी ना, इन्होंने खाए नहीं, क्या डाल देती है। चलो जी कच्चा भी तय हो गया। वो ये कच्चा किसका है ये वाला? अब नेशनल टीवी पे बोलते अच्छा लगता है कि तेरा कच्चा तय करवाया। ला मेरा बुद्धू। पीयूष पाजी
जो भी सेलेब्स आते हैं यहाँ पे फिफ्टी उनके बारे में कोई ना कोई अफवाह जुड़ी रहती है, तो हम डायरेक्ट पूछते हैं, हम अफवाह पे बिलीव नहीं करते. तो पीयूष आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको ग्राउंड पे इतनी तेज टॉयलेट आता है कि आपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि ड्रिंक ब्रेक के साथ साथ टॉयलेट ब्रेक भी होना चाहिए. ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है. बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अंपायर से परमिशन लेके आप वैसे ही चले जाते हो. हाँ, एक्चुअली तो उतनी देर फिर कौन करता है आपकी जगह फील्डिंग विल्डिंग, जो कर चुका होता है ऑलरेडी टॉयलेट. यूजी, सुना है बचपन में गधे की सवारी करना आपको बड़ा पसंद था. रियली? ये सही बात है? एक दो बार करी है. अच्छा. क्यों, मतलब? तो उस टाइम 7-8 साल का होता तो सीनियर क्रॉस कंट्री के लिए जाते थे. अच्छा. तो क्रॉस कंट्री होती 7-8 साल की, तो उस टाइम थोड़ा क्रिकेट का इतना शौक था, मैं 5 बजे उठ के बैठ जाता था. हाँ. तो किसी तरह किसी गोदी में बैठ के कंधे बैठ के तो मैं पहुंच जाता था. अच्छा. आते वक्त उनकी हालत भी नहीं होती थी कि वो किसी को उठाए. हाँ. तो रस्ते में कोई घर जैसे गधे वगैरह जा रहे होते थे. हाँ. तो एक बंदा छोड़ देते, वो मुझे उसमें बिठा देते, तो मैं गधे के साथ जाता था. अशुजी, एक और अफवाह आपके बारे में कि आपके पापा आपको पहलवान बनाना चाहते थे लेकिन शरीर पे मांस कम था तो उन्होंने इरादा छोड़ दिया. ये सही है? वो 11-12 साल के बाद खुद ही समझ गए कि तुमसे ना हो पाएगा. पीयूष, एक अफवाह ये आपके बारे में कि आपने क्रिकेट खेलना शुरू इसलिए किया क्योंकि आपको विदेश जाना था, घूमना चाहते थे आप. ये भी है, और पढ़ाई में मन नहीं लगता था बिल्कुल. तो मुझे लगता था यार क्रिकेट ही खेल लो जाके. तो पापा भी बोले चल क्रिकेट खेल ले, कहीं नौकरी भी मिली जाएगी स्पोर्ट्स कोटे में. मैंने कहा ठीक है, शुरू कर देते हैं. पर आगे चल के लोग आपको पढ़ेंगे, आपके बारे में पढ़ेंगे. ये मेन पढ़ाई तो ये है जो आप अब कर रहे हैं. थैंक यू. देश के लिए इतना अच्छा खेल रहे हैं, इतना नाम कमाया. यूजी, बचपन में पापा आपको स्कूटर पे बिठा के ले जाते थे तो ज्यादा स्पीड में नहीं चलाते थे, कहीं आप उड़ ना जाए. ये अफवाह के सच है? इसलिए मैं पीछे बैठता था. अच्छा, आप सब ये जानते हैं यूजी अभी जो है बैचलर है. सर रिश्ते तो आते होंगे, चल साहब बड़े के नहीं, तो आप खुद इतने यंग है, आप ये नहीं कहते मेरे को ट्रांसफर कर. फिर आप क्या क्या बोलते हैं सर उनको जो रिश्ते लेके आते हैं? कि वेट है, कहाँ जब भी आ करेगा तो ये करवा देंगे. ये नोट कर लो. मतलब ये देखो, आपको ये नहीं कह रहे कि करो करो शादी, बोल रहे जब ये हाँ करेगा. कब हाँ करने का? हाँ क्यों नहीं कर रहे हो? अभी थोड़ा टाइम है, 1-2 साल. 1-2 साल? 1-2 साल. फसल पक रही है अभी. यार मैं जूजी को जितनी भी एड्स में देखा है, इतना शरारती है. जैसे मैंने आपकी विराट कोहली की कैड देखी थी, वो पिज्जा वाली, तो उसमें आप लगता है आपको देख के आपके रिलेशनशिप से लगता है कि आप छोटे हैं टीम में, आपको प्यार भी करते हैं, लेग पुलिंग भी साथ में करते रहते हैं आपकी. नहीं, वो चलता रहता है क्योंकि विराट भैया के साथ थोड़ा बॉन्ड 6-7 साल का हो गया है. आजकल हमने दम शरारत खेलना स्टार्ट किया है. अच्छा. तो अभी वेस्ट इंडीज का मैच था तो खेल रहे थे. अच्छा. तो कुछ मंगवाना था तो उन्होंने, क्योंकि ये इंग्लिश है ये हिंदी है, तो उन्होंने ऐसे किया, मतलब केला चाहिए. अर्चना जी, आपको यूजी देखने में लगते हैं कि पतले हैं लेकिन ये अपने हाथों से हाथी घोड़े ऊंट उठा उठा फेंकते हैं. चेस में. मैं अपने दर्शकों बता देना चाहता हूँ कि ये जूनियर नेशनल चैंपियन जो है ये रह चुके हैं, इनके लिए जोरदार तालियां इस बात के लिए, और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेल चुके हैं. पाजी यार ये बड़ी कमाल की बात है. बिल्कुल, बंदे मल्टी टैलेंटेड हैं. तो चेस में जो प्लेयर्स होते हैं जैसे हाथी घोड़ा ऊंट, तो अगर आपको अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में से किसी को एक एक टाइटल देना हो तो किसको देना चाहेंगे? हाथी, हाथी कौन है टीम में? ऋषभ पंत. ऋषभ पंत क्यों? साइज भी वैसा ही है, थोड़ा सा चलता भी वैसा ही है. ओके, ऊंट कौन है प्लेयर? ऊंट थोड़ा टेढ़ा वाला. फिर अब ये तो थोड़ा कंफ्यूज, क्योंकि 3-4 लोग टेढ़े हैं. अच्छा. आप कह सकते हैं थोड़ा सा शामी भाई, मोहम्मद शामी. मोहम्मद शामी टेढ़े हैं थोड़े. घोड़ा कौन है अपनी टीम में? घोड़ा तो वही है जो भागता रहे, और फिट तो आजकल सभी हैं, तो सारे घोड़े मुझे लगता है एक्चुअली, नो डाउट. और वजीर कौन है टीम का? आजकल तो किंग कोई नेकी है, विराट भी, अनुष्का भाभी. अच्छा, कभी कभी ऐसा भी तो होता है पीयूष, जैसे आप ग्राउंड में खेल रहे हैं तो कैमरामैन जो होते हैं उस समय कोई बॉलिंग नहीं कर रहा होता है, मतलब चल रहा होता है कि अभी बॉलिंग होगी, तो कैमरामैन कभी कभी क्या करते हैं, बड़ी खूबसूरत लड़की पे ऐसे कैमरा फोकस कर देते हैं. ऐसे में कभी आपकी बॉलिंग लेट नहीं हुई कि यार वो देखने लग गए थे अंकल जी? तो इसलिए फील्डिंग में होता है, कई बार नजर जाती है
जब वो बिग स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं। अच्छा बॉलिंग में लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि बॉलिंग में अपनी टेंशन ही कम नहीं होती कि क्या आउट करना है, छक्का नहीं खाना है, तो बॉलिंग के टाइम जाती है। बट हाँ जब ओवर खत्म हो जाता है बाउंड्री पे जाके खड़े होके देन यू कैन चेक आउट कि हाँ ठीक है। मिसेस चावला सुन रही हैं आप? बीवी घर पे टीवी पर चेक करती रहती है कि कहाँ देख रहा है मेरा हस्बैंड। नहीं वो भी मोस्टली सब मैचेस में साथ जाती है। अच्छा, तो साथ उसे है। पता रहता है कि चारों तरफ से नजर हुए हो आप, नजर रखती है वो किधर खड़ा है। मैं कहता आपके इसके बयान के बाद ना बीवी के बीसीसीआई को लेटर ना लिख दे। इनको बॉलिंग करवाई जाए, बैटिंग कराई जाए, फील्डिंग ना कराई जाए। अच्छा यूजी एक बड़ा छोटे भाई की तरह एक सवाल है, सही सही बताना कितनी चीयर लीडर्स को बाई नेम जानते हो? आई मीन मेरा पर्सनल सवाल है, ये टीवी पे नहीं चलाना हमने। चार पांच तो है। अच्छा क्रिकेट और बॉलीवुड का बड़ा पुराना कनेक्शन है, हमेशा देखा जाता है क्रिकेट मैच हो रहे हैं, बॉलीवुड हीरो हीरोइन वहां पे जाके मैच देखती हैं, बहुत सारे लोगों ने आपस में शादियां की है, फिल्में आप भी देखते होंगे जाहिर सी बात है, कौन आपकी फेवरेट कौन है? कैटरीना कैफ। Well done. Very nice. और पीयूष आपकी? प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा जी है। कैटरीना और प्रीति दोनों ही बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं। और हीरो कौन सा फेवरेट है आपका? शाहरुख भाई। अरे और आपका यूजी? जो है अक्षय कुमार है, रणदीप हुड्डा। अच्छा वाओ। तो आप सबको पता ही है कि क्रिकेटर्स जो होते हैं अगर खास तौर पे बैचलर हो तो कितनी सारी जो रिश्ते आते हैं, चल साहब आपको तो आती हैं। तो कितनी लड़कियों का भी ड्रीम होता है कि यार ये अच्छा स्टार क्रिकेटर है, अच्छा नाम है, लोग प्यार करते हैं, इनसे शादी हो। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कितने लोगों को ये लगता है कि क्रिकेटर से शादी करने के फायदे के नुकसान? ओ मैडम माइक दे दीजिए। सत्श्रीकाल कपिल सर। सत्श्रीकाल जी, कैसे हैं आप? अच्छी सर, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। क्या नाम है आपका? जसवंत कौर। जसवंत कहाँ से आई आप? जी सर हिमाचल प्रदेश से। बड़ी खूबसूरत जगह हिमाचल, आई लव हिमाचल। हिमाचल में कहाँ से? कांगड़ा से सर। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जी जसवंत क्या कहना चाहती हैं आप? सर मैं फायदे बताना चाहती हूँ क्रिकेटर से शादी करने के। आपको कैसे पता है? सर अभी तक शादी तो नहीं हुई है पर फायदे थोड़े बहुत जानती हूँ। अच्छा कैसे फायदे मतलब? सर सबसे पहले तो क्रिकेटर लोगों के पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। वेरी ऑनेस्ट गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू। हाँ अगर मेरी शादी किसी क्रिकेटर के साथ होती है तो मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगी। और सर इनके साथ मुझे पूरी दुनिया घूमने का मौका भी मिलेगा। वाह बिल्कुल ठीक है, अलाउड है ना वैसे लेके जा सकते हैं अपने स्पाउस को भी? अलाउड जी। हाँ दोनों फायदे ठीक है आपके। हाँ और सर ये लोग फेमस बहुत होते हैं। हाँ तो मेरी इंस्टाग्राम फेसबुक पे रातों रात फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ जाएगी। और मैं भी आल्सो फेमस हो जाऊंगी। वाओ शरे आप मतलब भी लड़की होता ही है। पर जसवंत आपने बड़े ऑनेस्टी से ये बोला जो भी चीजें हैं, शुक्रिया जसवंत। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल सर। हेलो जी, क्या हाल है? सत श्री अकाल। वेलकम। सत श्री अकाल अर्चना मैम, मैं ज्योति नवा शहर पंजाब से आई। अच्छा जी बहुत बहुत स्वागत है शो देखने। और मैं बोलना चाहती हूँ कि क्रिकेटर से तो कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी। क्यों? क्योंकि क्रिकेटर लोग तो ज्यादातर टाइम तो अपना बाहर ही स्पेंड करते हैं, घर में कम रहते हैं, बाहर ज्यादा घूमने जाते हैं। हाँ जी। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे वो पसंद नहीं है। अच्छा जी। और दूसरी एक और बात है कि आजकल हम देख रहे हैं क्रिकेट को ग्लैमर वर्ल्ड से जोड़ा गया है जिससे इनकी लड़कियां बहुत फैन होती हैं। हाँ जी। जिससे मुझे इनसिक्योरिटी फील होती है। So sweet। मैं कभी नहीं जाती। ये भी बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दिया है। बिल्कुल। तो मैं कभी नहीं जाती हूँ कि मेरा हस्बैंड जो है क्रिकेट में हो क्योंकि चीयर लीडर्स इतनी होती हैं, जैसी चौका चौका मारा चलो भी, ये देखो हस्बैंड ही कहीं और गए हुए हैं। इसीलिए एक्चुअली बीवी की तो बाकी सारा देश देख रहा है कि मैच जीते, सिर्फ अपनी बीवी का ध्यान रहता है कि मेरे पति का ध्यान किधर है। और उसके मन में भी ये चल रहा है मेरे को देख रही होगी, मैं सिर्फ विकेटों की तरफ देखता हूँ। आदमी की भी जिंदगी कम इजी नहीं है मैडम। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं, मेरे साथ में ही आए हैं। सत श्री अकाल पाजी, कैसे हैं आप? आप दोनों की जोड़ी बड़ी खूबसूरत है। थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेके आई हूँ छोटा सा, जो मैं चाहती हूँ आपको देना। सो स्वीट, थैंक यू सो मच।
धन्यवाद। अभी इनके हस्बैंड इनसे अरे आपका बेटा है। हाँ, मेरा बड़ा प्यारा ये और गुल्लू दो बेटे हैं। शुक्रिया, बर्थडे भी है। थैंक यू, सत श्री अकाल बाजी, वेलकम वेलकम, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। अरे कितना सोना बनाया, थैंक यू, इट्स ब्यूटीफुल, वाओ, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल इट इज, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू बेटा। दो लाइंस भी मैं आपके लिए। हाँ जी, दो लाइनें जी प्लीज। ये देखिए अर्चना जी, आपको कभी गिफ्ट दिया आपके फैन ने? मेरे फैंस ही नहीं है कोई। अच्छा जी मैम प्लीज। ओ दिन कदे ना आवे, ओ दिन कदे ना आवे कि हदो वद गुरूर हो जावे, बस इन्ना कनीवा रखी मालका कि हर दिल तेरे लिए दुआ लिए मजबूर हो। सो स्वीट, थैंक यू, थैंक यू, ब्यूटीफुल। मैं एक बार हग करनी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक 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 यू सो मच, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो अपने, जी भाई साहब माइक दे दीजिए उनको। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ। कहाँ से? माइक नजदीक। मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ। इम्तियाज आवाज नहीं क्लियर आ रही, कहाँ से बोल रहे हैं आप इम्तियाज? हाँ जी इम्तियाज, कहाँ से आए हो आप? मैं उड़ीसा से हूँ। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा बोलना ये है, अगर मैं लड़की होती तो फिर क्या होती? तो मैं क्रिकेटर से ही शादी करती। अच्छा, क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि मैं लड़की, अगर लड़की होती शादी से पहले एक बेचारी सी मतलब दबी दबी रही घर पे रहने वाली लड़की होती। क्यों आप मतलब रियल लाइफ में आप ऐसी नेचर है आपकी? नहीं, नॉर्मली नॉर्मली होते हैं। क्यों क्यों आजकल की लड़कियां देखो लड़कों से बहुत आगे जा चुकी हैं, हर फील्ड में नाम कमा रही हैं, तो आप क्यों दबे दबी सी होती? बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। ऐसे ही बोल रहे हो? अच्छा, तो फिर क्या होता अगर आप दबी दबी सी लड़की होती, फिर क्या करती आप? तो मैं क्रिकेटर से ही शादी करती। अच्छा, क्यों? और उसके बाद रातों रात मैं सेलिब्रिटी भी बन जाती, क्योंकि क्रिकेटर लोग सेलिब्रिटी होते, और सेलिब्रिटी हो जाती तो मुझे शायद कपिल शर्मा शो पे एज ए सेलिब्रिटी मुझे आने का मौका मिलता। पर वैसे आपका दिल करता है कभी कभी ऐसे दुपट्टा लेने का? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल नहीं। वैसे सब ठीक है ना? बस ठीक है, वो तो चलो एक इमेजिनेशन है कि अगर होती। क्या यार इमेजिनेशन है आपकी, मतलब दूसरे जन्म में पहुंच गए आप। शादी हो गई आपकी? जी नहीं। अभी नहीं हुई आपकी? जी नहीं। कब करनी है फिर? मम्मी मम्मी देख लेंगे। आप सच्ची में बड़े दबे दबे से हो? दबे दबे से। जितना मर्जी सीधे साधे हो जाओ, दुनिया और दबाती है, दबने वाला हो ना आदमी, थोड़ा थोड़ा ठीक ही रहना, ज्यादा रजाई के नीचे दबो बस। थैंक यू, थैंक यू इम्तियाज, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन, हेलो कपिल जी, हेलो अर्चना मैम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि क्रिकेटरों से शादी करने का बहुत बड़ा नुकसान है। क्यों? बीवियों से डरेंगे ही नहीं वो। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अच्छा। कभी मैंने गुस्से में उठा के कुछ मार दिया तो कैच कर लेंगे ये। उन्हें खौफ ही नहीं रहेगा हमारा कि हाँ ये मार देगी, मुझे लग जाएगी, मैं डरूं इससे थोड़ा सा। प्यार में हिंसा कहाँ से आ गई जी? प्यार में गुस्सा भी तो होता है ना। गुस्सा होता है पर चीज उठा के मारनी है। मेरा गुस्सा ऐसी है। अच्छा जी, तो आप किन के साथ आई है? हस्बैंड के साथ आई हूं। ये है दबे हुए और पिटे हुए। अब ठीक है? कैसी है आपकी? एकदम आपको उठा के मारा कभी इन्होंने? कैसी होनी चाहिए सर, आपको देख देख के जी रहे हैं अब। सर धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या बात है? यो ब्रो, यो कैसे? ओह माय गॉड, ये कपू शर्मा, आज आपके ये मोहल्ले में काफी चहल पहल है। सर बैठिए, सर बैठिए बैठिए, इनको ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है। ये रोज आता है ऐसे, लंदन से आया, पता नहीं आया भी कि नहीं, हमें झूठ बोलता रहता है।
I will tolerate that. It's okay. So, Piyush ji, मैं आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग कभी अपने बुजुर्ग के पैर चूसे आए तो पाए लागू बोलते हैं कि लेग बाय लागू बोलते हैं? क्रिकेट खेलते LBW. LBW, लेग बिफोर, करेक्ट है. वैसे सर आज कमाल है, सब खिलाड़ी लोग हैं इधर. मतलब चहल खिलाड़ी, चावला खिलाड़ी, अर्चना खिलाड़ी. अर्चना जी कहाँ खेलती हैं? ना अर्चना जी खेलते ना, तो सिद्धू जी को आउट कैसे किए? वैसे आपको पता है सर, मैं अच्छा यादव है, मैं लंदन से आए हैं, मैं लंदन में रहते हैं सर. अभी थोड़ा टाइम पहले मैं आए थे लंदन में, आप लोग को भी देखे, मतलब वो आपका बरसात देखे, मैं मेरे को बहुत अच्छे लगे लंदन में. बरसात? बरसात नहीं, वर्ल्ड कप में क्रिकेट. नहीं नहीं, इस बार वर्ल्ड कप में क्रिकेट कम थे, बरसात ज्यादा थे. तो इसलिए मैं बरसात ही देखे, इतना ज्यादा बरसात देखे, इतना बरसात देखे मेरे डकवतन लुइस निकल गए. वैसे सर आप लोग से एक और बात जानना चाह रहे थे सर, आप लोग बाउंसर मारते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलते. मैं कल क्लबिंग गए थे पार्टी करने के लिए, तो उधर मैं बार खड़ा एक बाउंसर को थोड़ा सा मार दिए, वो लोग मेरे पीछे पड़ गए. अच्छा तेरा दिमाग खराब है. क्रिकेट का बाउंसर अलग होता है और ये वाला अलग होता है जो तू मार के आया. या दोनों अलग होते हैं. ये मैं गलत बाउंसर को मार दिया. यार ये बात बता के तुमने मुझे उलझन में वो दिए है यार. वो क्या होते हैं, इंडियन खाने में होते हैं, येलो कलर का लिक्विड होता है, दाल, 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 दाल. तुम मेरे को उलझन में दाल दिए है. और दोस्त अभी दाल दे ही दिए है तो थोड़ा चावल भी दे दो. मैं तुझे थोड़ा सा धक्का ना दे दूं, धक्का फ्राई दे रहा है तो थोड़ा जोर से धक्का दो, हो सकता है मैं स्टार्ट हो जाए. अच्छा तुझे पता है कुछ क्रिकेट के बारे में? ऐसे फालतू बोली जा रहा है. क्रिकेट, क्रिकेट मेरे उसमें बस्ती है यार. क्या बोलते हैं वो अपना, वो अस्पताल में डॉक्टर के साथ कौन रहते हैं? पेशेंट. नहीं नहीं, वो दूसरे कंपाउंडर. नहीं नहीं यार, वो जिसके साथ ऑपरेशन सर्जरी भी करते हैं साथ. उनकी मासी का लड़का. मासी का लड़का? या सिस्टर. कौन सा मासी का लड़का अस्पताल में डॉक्टर के साथ ऑपरेशन करते हैं? ये आदमी पर्पसली मेरा जोक खराब कर रहे हैं. इनको पता है मैं नर्स वर्ड ढूंढ रहे हैं. बोल ही नहीं रहे. मैं बताना चाह रहे हैं कि क्रिकेट मेरे नर्स नर्स में बसते हैं, इतना प्यार करते हैं. और यू नो व्हाई? क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूं, मेरे परदादा जी थे ना, उन्होंने क्रिकेट इजाद किए थे. कैसे मतलब? एक बार क्या हुआ, मेरे परदादा जी गिल्ली डंडा खेल रहे थे. अच्छा. अचानक से बहुत ज्यादा बारिश आ गए तो उनका डंडा गिल्ली हो गए. इधर देखे तो गिल्ली भी गिल्ली हो गए. अब डंडा गिली, गिली गिली. अब उनके पास गिली दो डंडा है. वो बोले कि ये अच्छा नहीं है, तो वो घर के अंदर गए और दो डंडा लेके आए. फिर तीन डंडा जमीन में डाले, उसके ऊपर दो गिली लगाए. इधर से क्रिकेट का इजाद हुए. पर हमें तो पता चला तुम्हारा दादा जेब कतरे के इल्जाम में अंदर हो गया. वो बाद में. अच्छा अपने दादा को छोड़ तो इनकी बात कर आज मारे. मैं आपका बात कर सर. आपका क्रिकेट, ओ हो हो, आप कमाल का बिजनेस करते हैं. अबे बिजनेस नहीं करते, बॉलिंग करते हैं वो. हाँ तो बॉलिंग में भी बिजनेस ही होते हैं. कैसे? 30 रन देते हैं, 3 विकेट लेते हैं. 40 रन देते हैं, 4 विकेट लेते हैं. ऐसा लेन देन कोई तो बिजनेस बोलते. कम ऑन मैं बुड़बा. कभी कभी बिना रन दिए भी तो विकेट लेते हैं. हाँ वो तो कभी कभी बिना हंसे ही अपना पेमेंट भी ले लेती है. लेकिन सच बताएगा, क्रिकेट में बहुत भाव भेद होते हैं. क्या भाव भेद होते हैं? सर आप ही बताइए, जो अंपायर थर्ड आता है, यानी कि थर्ड अंपायर, वो आराम से अंदर एसी में बैठे हैं, और जो अंपायर फर्स्ट आए हैं, वो ग्राउंड पे गर्मी में खड़े हैं, पसीना पसीना. कितना गलत बात है. तो ग्राउंड पे एसी तो नहीं लगा सकते? हाँ तो ठीक है, उसको एक चिल्ड बियर पिला दो यार. मतलब गर्मी होता है.
वो ड्रिंक करके अंपायरिंग करेंगे. हाँ तो ड्रिंक करके अंपायरिंग कर रहे, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं कर रहे कि ड्रिंक एंड ड्राइव में अंदर हो जाएगी. कौन सा बड़ा बात है यार, थोड़ा ऐसा पी के अगर अंपायरिंग कर भी दिए तो क्या जाएगा. सिक्स ऐसे देते हैं, थोड़ा पी के ऐसे ऐसे दे देंगे. वाइड ऐसे देते हैं, उसकी जगह ऐसे दे देंगे. क्या जाते हैं यार. हो सकता है उनका ये डांसिंग स्किल देख के सुपर डांसर उनको साइन कर ले, फिर सुपर डांसर शो का टीआरपी बढ़ जाए, हो सकता है चैनल का फायदा हो जाए. तुम चैनल का फायदा सोचता नहीं है दोस्त, तुम बहुत ही वो आदमी है यार, क्या बोलते हैं वो बेचो मछली आदमी है. बेचो मछली क्या होता है? बेचो मतलब सेल मछली, मतलब फिश, बहुत सेल फिश आदमी है तुम. एक मिनट, ए मार्क ये देखो, लंदन का मैसेज आया है, क्वीन एलिजाबेथ आए मेरे को मैसेज किए हैं. अभी बस हो गए मैसेज में देख लिए है. वो तुझे मैसेज क्यों करेंगी भी? अरे तो क्या मसाज करेगी? मैसेज ही करेगी ना यार. ओ मेरे को इनवाइट किए है, उनका शादी का वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, शोला पिक्चर में जब जय वीरू पहली बार देखते हैं कि ठाकुर का हाथ नहीं है, कैसे देखते हैं उनका क्या गिरा? ठाकुर का शॉल गिरा था. शॉल गिरा, उनका शादी का शॉल गिरा है. अबे साल गिरा होता है. साल गिरा. दोस्त तुम कितना भी मेरे को करेक्ट कर लो, इनवाइट मेरे को ही किए हैं, आपको नहीं किए. रिलेशन भाई कोई चीज होते है. तेरे जैसे बड़े रिलेशन लंदन बहुत मेरा कितना बड़ा बड़ा रिलेशन है तुमको क्या मालूम? क्या? एक मिनट, केटी पेरी का फोन लेगा. एक मिनट, हेलो, ये केटी पेरी. और बताओ केटी हो? केटी नहीं नहीं, ज्यादा पेरी पोना करने का जरूरत नहीं है. पहले मेरे को सही सही बताओ, इतना टाइम से मेरे साथ कैटी कैटी क्यों रहती हो? ये पेरी बार नहीं है तुम ऐसा बिहेव कर रही हो. अब मैं भी तुम्हारे साथ कैटी है, मैं बात नहीं करेंगे. चलो अभी मैं फोन काट रहे हैं. मेरे एटीट्यूड देखे. चलो अभी मेरे को जाने पड़ेंगे, मेरे को लंदन में वो काम है, मैं निकलता है सर. मैं यो ब्रो अभी मैं चलते हैं, आपसे नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे. थैंक यू वेरी मच सर. यो ब्रो, थैंक यू, आई लव यू. ये मैं मिलते हैं, आई लव यू. मेरे को जाने है. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि युजवेंद्र जो हैं वो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, साथ ही ये इंडियन स्पोर्ट्स के बेटरमेंट के लिए बहुत सारे एनजीओ के साथ भी जुड़े हैं. ये एक एनजीओ के को फाउंडर भी हैं. इन्होंने अपने बचपन के दोस्त पीयूष सचदेवा के साथ मिलकर 2012 में ये एनजीओ शुरू किया था. मैं चाहूंगा कि यूजी आप खुद बताएं कि आप क्या करते हैं इस एनजीओ के माध्यम से. जी, दो एनजीओ है हमारी, इंडियन स्पोर्ट और वुमेन स्पोर्ट फाउंडेशन. ओके. जिसमें फोर्थ क्लास से नाइन्थ क्लास तक की लड़कियां होती हैं, जो गांव विलेज वगैरह में, हम उन्हें कपड़े प्रोवाइड करते हैं, और जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उनको स्पोर्ट्स की किट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, मैंने देखा है कि कई लोग टैलेंट होता है नहीं कर पाते, तो मैं उसी चीज़ को कर रहा हूँ कि एटलीस्ट हम किसी की हेल्प कर सकें और शायद कल वो कहीं जाके यहाँ बैठा हो. यूजी बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं आप अपने एनजीओ के माध्यम से. बहुत बहुत बधाई आपको, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सर. एक बार युजविंदर चहल और पीयूष चावला के लिए जोरदार तालियां. आइए सर. थैंक यू बाजी, आई होप आपने मजा किया होगा, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलके. एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर मैचेस. ऐसे ही हमारे देश के लिए अच्छा अच्छा खेलते रहें और हमारा नाम रोशन करते रहें. थैंक यू सो मच. सो आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, और सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको अवॉइड करें, और हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है. और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. गुड नाइट, शब खैर. थैंक यू. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.